हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है लिथुआनिया जॉब वैकेंसीज के बारे में, लिथुआनिया वर्क परमिट वीजा के बारे में। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। अब जबकि ये वीडियो है ये काफ़ी थोड़ा लंबी भी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोगों के लिए पोस्ट हैं वो लगभग हैं 175, ठीक है। तो 175 अगर मैं पोस्ट एक एक करके रिपीट करने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, मैं आपको ब्रॉड कैटेगरीज बता देता हूँ पहले, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि ऑलमोस्ट क्या क्या वैकेंसीज हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज इक्वली हैं, ठीक है, सबके लिए हैं। और वीडियो को पूरी देखना, ठीक है। सैलरी भी मैं बताऊंगा आपको, अप्लाई कैसे करना है वो भी बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। सबसे पहला है जो सेक्टर, वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। यहाँ पर आपके लिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी आप जॉब सोच सकते हो या जितनी होती हैं सारी की सारी अवेलेबल हैं। और लिथुआनिया की एक सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो वीज़ा सक्सेस रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और ये डायरेक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट है, तो इसमें क्या है कि जो सर्विस चार्ज है वो भी काफ़ी कम रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ये वैकेंसी आई है। अब यहाँ पर बात करें, दूसरा जो सेक्टर है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सारी पोस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो सेक्टर है वो है सर्विस सेक्टर, तो इसमें आ जाते हैं हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड जॉब्स और ड्राइवर वगैरह, ये सारे कुछ आ जाते हैं, ठीक है। तो तीसरा सेक्टर ये था। अगला जो सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशरीज सेक्टर, ठीक है। तो ये हैं सेक्टर जिनकी मैं बात करने वाला हूँ, जिनकी मैं जॉब्स आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की आप सबको पता होती है, तो सबसे पहले मैं काम मतलब जो सेक्टर वाइज स्टार्ट करता हूँ वो सबसे पहले करता हूँ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशरीज सेक्टर से, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोस्ट अवेलेबल है आपके लिए वो है क्वालिफाइड ग्रीन हाउस वर्कर, ठीक है। दूसरी है मशरूम ग्रोवर, अगली है स्किल्ड फार्म वर्कर, अगली है फार्म ऑपरेटर, मिल्किंग इक्विपमेंट ऑपरेटर, स्किल्ड मिक्स्ड फार्म वर्कर, लंबरजैक्स। आजकल लग्जम्बर की जो फ्री वीडियोस आप देखते हो ना फालतू, जिसमें आपकी ना तो जॉब लगती है लेकिन हाँ आप बने जरूर रहते हो और आप ऐसी वीडियोस जरूर देखते हो, तो होता कुछ नहीं है वैसे, यहाँ पे लंबरजैक्स है, ठीक है। अगली पोस्ट है क्वालिफाइड फॉरेस्ट्री वर्कर, द बुचर, ठीक है, और द मैकेनाइजर, ठीक है। ये थी फॉरेस्ट्री वाले सेक्टर में, ठीक है, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशरीज एंड सेक्टर में, ठीक है। अगला जो सेक्टर है वो है सर्विस सेक्टर, तो यहाँ पर आ जाते हैं आपके कंप्यूटर साइंटिस्ट, द कुक, इंस्टॉलर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इंस्टॉलर ऑफ कम्युनिकेशन केबल्स, लॉन्ड्री आयनिंग मशीन ऑपरेटर, डीजल ट्रेन ड्राइवर, इलेक्ट्रिक ट्रेन ड्राइवर, बस ड्राइवर, ट्रॉली बस ड्राइवर, ड्राइवर ऑफ एन इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ठीक है, ड्राइवर ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल, पैसेंजर होगा ये, ठीक है। अगला है इसमें ड्राइवर ऑफ एन इंटरनेशनल फ्रेट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ठीक है। तो ये थी पोस्ट इसमें, ठीक है, ये सर्विस सेक्टर से रिलेटेड पोस्ट थी। अब बात करते हैं जो लार्ज कैटेगरीज हैं जिसमें सबसे ज़्यादा है इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में पहले आपको बाद में बताऊंगा, पहले बताता हूँ इंडस्ट्री वर्कर की, ठीक है। तो इंडस्ट्री में चाहिए आपको कारपेंटर, बॉयलर एंड पाइप इंसुलेटर, अ शिप प्लम्बर, शिप हल पेंटर, वेल्डर, कॉन्टैक्ट वेल्डर, इलेक्ट्रिक वेल्डर, गैस वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर, मैनुअल इलेक्ट्रिक वेल्डर, स्पॉट वेल्डर, इंस्टॉलर ऑफ मेटल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मेटल वर्कर,
असेंबलर ऑफ मेटल शिफल्स, मेटल कंस्ट्रक्शन असेंबली लॉक स्मिथ, ऑटोमेटिक लाइन एडजस्टर, वाइड प्रोफाइल मशीनिस्ट, सॉफ्टवेयर कंट्रोल मशीन ऑपरेटर, मिलिंग मशीन, मेटल वर्किंग मशीन ऑपरेटर, ऑटोमेटिक मशीन लाइन ऑपरेटर, मेटल ग्राइंडर, मेटल पॉलिशर, इंस्टॉलर ऑफ मेटल एयरक्राफ्ट एयर फ्रेम्स, एयरक्राफ्ट इंजन लॉकस्मिथ, एयरक्राफ्ट लॉकस्मिथ असेंबलर, एयरक्राफ्ट इंजन मैकेनिक, एयरक्राफ्ट इंजन रिपेयरर, एयरक्राफ्ट मैकेनिक, रिपेयर लॉकस्मिथ, लॉकस्मिथ रिपेयरमैन, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट मैकेनिक, मैकेनिक ऑफ द कंपनी इक्विपमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, लॉकस्मिथ इलेक्ट्रीशियन, ब्लैक स्मिथ वेल्डर, लॉक स्मिथ फॉर वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है, डिवाइस असेंबली लॉक स्मिथ रिपेयरमैन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रिपेयर लॉक स्मिथ, सॉर्टर ऑफ प्रोडक्ट्स सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल, यानी कि इनकी सॉर्टिंग जो करेगा। अगला है असेंबलर, निटर, थ्रेड एंड यान स्पिनर, प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन ऑफ कॉन्टैक्ट नेटवर्क्स, सबस्टेशन मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन, इंस्टॉलर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, बूचर, प्रिपेयरर ऑफ फिश फिलेट, प्रिपेयर ऑफ फिश सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, सॉसेज मेकर द बुचर, मीट स्मोक हाउस वर्कर, मीट स्लाइसर, बेकर, पैकर, फूड इंडस्ट्री में चाहिए ये पैकर, ठीक है, पैकिंग से रिलेटेड, प्रिपेयरर ऑफ सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, सॉर्टर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, वर्कर इन द फर्नीचर इंडस्ट्री, वुड वर्किंग मशीन ऑपरेटर, वुड फिनिशिंग मशीन ऑपरेटर, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग मशीन ऑपरेटर, टेलर ऑफ क्लोथ्स, यानी कि टेलर की रिक्वायरमेंट है, अ टेलर, टेलर ऑफ मेंस क्लोथिंग, क्लोथ्स कटर, हेयर ड्रेसर, यानी कि जो हेयर कटिंग करते हैं, अपहोल्स्टरर, टेलर सीविंग सेपरेट पार्ट्स इनटू अ होल, ठीक है, वो भी टेलर चाहिए, अपहोल्स्टरर, क्वालिटी कंट्रोलर, प्रोडक्ट सॉर्टर, ड्राइंग प्लांट ऑपरेटर, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग मशीन ऑपरेटर, प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन ऑपरेटर, कार्डबोर्ड प्रोडक्ट मशीन ऑपरेटर, पेपर प्रोडक्ट मशीन ऑपरेटर, टर्नर ऑफ नेटिंग मशीन्स, सीविंग मशीन ऑपरेटर, गारमेंट सीविंग मशीन ऑपरेटर, ऑपरेटर ऑफ टेक्सटाइल फाइबर डाइंग मशीन्स, लॉन्ड्री आयनिंग मशीन ऑपरेटर, ऑपरेटर ऑफ फैसिलिटीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिश प्रोडक्ट्स, ऑपरेटर ऑफ मीट प्रोडक्शन फैसिलिटीज, ऑपरेटर ऑफ द टेक्नोलॉजिकल लाइन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, कार्टन मेकिंग मशीन ऑपरेटर, ऑपरेटर ऑफ पेपर प्रोडक्शन फैसिलिटीज, मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्डबोर्ड प्रोडक्ट्स, पेपर सॉर्टर, ग्लास मेकिंग मशीन ऑपरेटर, हॉटस्पॉट ऑपरेटर, पैकेजिंग इक्विपमेंट ऑपरेटर, व्हीकल असेंबलर, असेंबलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, कन्वेयर ऑपरेटर, लिफ्ट प्लेटफॉर्म ऑपरेटर, तो ये सब थे इस सेक्टर में और ये था इंडस्ट्री सेक्टर। अब बात करते हैं जो दूसरा सेक्टर है वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं तो सारी रिपीट कर देता हूँ, बोर मत होना, वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि सबके लिए है। यहाँ पर है पहला वाइड प्रोफाइल कंस्ट्रक्शन वर्कर, ब्रिक लेयर, ब्रिक लेयरर, ठीक है, फिनिशिंग मेसन, कंक्रीट फिटर, कंक्रीट वर्कर, कारपेंटर, कारपेंटर फिटर, विंडो एंड डोर फिटर, इंस्टॉलर ऑफ प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स,
स्कैफोल्ड बिल्डर, अ रोड ट्रिपर, पेवर, टाइलर, टाइलर फिनिशर, प्लास्टरर फिनिशर, प्लास्टरर, जिप्सम बोर्ड, पार्टीशन इंस्टॉलर फिनिशर, इंसुलेटर, बॉयलर एंड पाइप इंसुलेटर, बिल्डिंग हीटर, ग्लास, प्लमर, वेंटिलेशन पाइप फिटर, पाइप लेयर, इंस्टॉलर ऑफ प्लम्बिंग सिस्टम एंड इक्विपमेंट, प्लमर, इंस्टॉलर ऑफ टेक्नोलॉजिकल पाइपलाइंस एंड डिवाइसेस, पेंटर ऑफ मेटल प्रोडक्ट्स, बिल्डिंग क्लीनर, ये कंस्ट्रक्शन में चाहिए, वेल्डर, कॉन्टैक्ट वेल्डर, इलेक्ट्रिक वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर, मैनुअल इलेक्ट्रिक वेल्डर, स्पॉट वेल्डर, टिन स्मिथ, इंस्टॉलर ऑफ मेटल स्ट्रक्चर्स, मेटल कंस्ट्रक्शन असेंबली लॉक स्मिथ फॉर वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इलेक्ट्रीशियन, बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रीशियन, लेयर ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स, इंस्टॉलर ऑफ कम्युनिकेशन केबल्स, इंस्टॉलर ऑफ कम्युनिकेशन केबल्स हो गया, लेयर ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स, वेल ड्रिलिंग इक्विपमेंट ऑपरेटर, कंक्रीट मिक्सचर ऑपरेटर, मैकेनाइजर, बुलडोजर ड्राइवर, एक्सकेवेटर ड्राइवर, रोड ग्रेडर एंड स्क्रैपर ऑपरेटर, टावर क्रेन ऑपरेटर। तो ये सारी वैकेंसीज हैं। इसके अलावा इन वैकेंसीज में जो मिनिमम आपकी सैलरी है वो है 1000 यूरो, उससे ऊपर ही सैलरी है, बट जो मिनिमम अगर आप मान के चलो तो 1000 यूरो यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। प्रोसेस टाइम की बात करें तो आपके यहाँ पर लग जाएंगे 3 महीने के आसपास, यहाँ पर आपको लग ही जाएंगे 3 से 4 महीने। और यहाँ पर जो एज लिमिट है वो है 20 to 45 ईयर्स तक के लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इवन कुछ केसेस में ज़्यादा एज के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वर्किंग आवर्स की बात करें तो 8 आवर्स वैसे मिनिमम होता है, 8 आवर्स प्लस 1 आवर आपका लंच का होता है। तो ये है, हफ्ते में आपको 6 दिन काम करना है, 1 दिन आपकी छुट्टी रहती है। वैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या होता है कि 40 आवर्स का आपको काम दिया जाता है इन अ वीक, ठीक है। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर वर्किंग रहेगी। और अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आपको मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर, वो है 7500506712। जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है उन्हें पता चल जाएगा कैसे अप्लाई करना है। और हाँ, इसमें डॉक्यूमेंट्स आपके जो चाहिए होंगे, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन करके आपको भेजने हैं। उसमें आता है आपका पासपोर्ट, बोथ फ्रंट एंड बैक साइड आपको स्कैन करके भेजना है, आपका HD डिजिटल फोटो, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, और आपका CV, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको जो है एक PDF में करके भेजने हैं। अगर इनके सेलेक्ट होते हैं तो आपसे फर्दर इसमें बात की जाएगी। और हाँ, ये जॉब ऐसा नहीं है कि देखो, कुछ जॉब्स होती हैं जिनमें आफ्टर वीज़ा सर्विस चार्ज लिया जाता है, जैसे कि क्रोशिया में थी। क्रोशिया में 2 तरह की मैंने आप लोगों को लिए वैकेंसीज डाली हैं, एक तो स्किल्ड वर्कर की थी उसमें आफ्टर वीज़ा सर्विस चार्ज था, दूसरी मैंने डाली दोबारा जो क्रोशिया की डाली उसमें कुछ एडवांस था, और इसमें भी जो ये प्रेजेंट वैकेंसी है इसमें भी आपको एडवांस पे करना पड़ेगा, यानी कि जो टोकन अमाउंट है जो कि लॉयर की फ़ीस जाती है उसकी, ठीक है, इमिग्रेशन लॉयर की जो फी जाती है स्टार्टिंग में, तो वो आपको पे करनी इसमें रहेगी, तभी इसमें अप्लाई हो पाएगा। और लिथुआनिया की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो सक्सेस रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने ये पूरी वीडियो नहीं देखी है, इनकेस आप चाहते हो कि मैं इसके पार्ट्स में वीडियो बना दूँ जैसे कि सेक्टर वाइज, तो मैं वो भी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।